भारत को लेकर रूस ने अमेरिका का बनाया तगड़ा ताबीज। तेल के खेल में भारत को निशाना बनाने पर जमकर सुनाई खरी खोटी। अमेरिकी महत्वाकांक्षा को लेकर भारत को घेरने पर पूछे सवाल। दोस्तों, जब से यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ है, रूस से पश्चिमी देशों की टेंशन लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसी का नतीजा है कि रूस के ऊपर प्रतिबंधों की बौछार लग गई है। पश्चिमी देश रूस के खिलाफ इन प्रतिबंधों को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाह रहे थे, लेकिन भारत के साथ मिलकर रूस ने उनकी इस चाल को फेल कर दिया है, उनके सारे मोहरों को ढेर कर दिया है। एक एक कर अपने मोहरे पिटते देख पश्चिमी देश बौखलाए हुए हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो क्या करें जिससे रूस के पैरों में बेड़ियां डाली जा सके और उसे यूक्रेन युद्ध से पीछे हटाया जा सके, क्योंकि रूस पर प्रतिबंधों को लगाते वक्त उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे। यहाँ तक कह दिया था इन प्रतिबंधों के चलते रूस को युद्ध में घुटने टेकने को मजबूर होना पड़ेगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, न ही ऐसा कुछ होता दिखाई दे रहा है। लिहाजा अपनी हार का ठीकरा वो भारत पर फोड़ रहे हैं। पश्चिमी देशों की इस दोगलापंती का भारत ने भी करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन बार ये साफ कर दिया है कि भारत के लिए उसके अपने हित पहले हैं, क्योंकि दुनिया के बाकी देश भी इसी नीति का पालन करते हैं। खासकर पश्चिमी देश तो इसका खासा ख्याल रखते हैं, इसलिए उसने भी इस नीति का अनुसरण किया है। विदेश मंत्री ने साफ कह दिया कि अपने देश की जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए वो किसी भी देश की परवाह नहीं करेगा। भारत के इस सुर में अब रूस ने भी अपना सुर मिला दिया है। रूस ने साफ कर दिया है कि अमेरिका की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए आखिर भारत अपने हितों की बलि क्यों दे। दोस्तों, भारत और रूस की इस दोस्ती ने पश्चिमी देशों की हवा टाइट कर दी है, क्योंकि दोनों जिगरी यार अमेरिका को ठेंगा दिखा रहे हैं। उसे ये बता रहे हैं कि वो दुनिया के लिए सुपर पावर होगा, लेकिन उनके लिए उसकी कोई बिसात नहीं है। मतलब कुल मिलाकर एक बार फिर अमेरिका की दोनों जिगरी यारों ने बैंड बजा दी है, उसकी खाट खड़ी कर दी है, जिससे वो भन्नाया हुआ है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रूस और भारत के इसी तालमेल और रूसी राजदूत के उस बयान बम की भी चर्चा करेंगे, जिससे पश्चिमी देशों की दिमाग की बत्ती जल गई है। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये रिपोर्ट देखनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रूस का कच्चा तेल खरीदने पर पश्चिमी देश लगातार भारत की आलोचना कर रहे हैं। ऐसे में रूस ने भारत का बचाव करते हुए पश्चिमी देशों को खरी खोटी सुनाई है। दोस्तों, आपको रूसी राजदूत के इस बयान के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बता देता हूँ आखिर भारत और रूस के बीच तेल को लेकर कौन सा खेल चल रहा है। रूस के लिए भारत ने किया बड़ा काम, अब चीन को भी भारत ने छोड़ दिया पीछे। दोस्तों, रूस के जिस कच्चे तेल की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, भारत उसकी खरीद लगातार बढ़ा रहा है। जुलाई में तो भारत ने चीन को पीछे छोड़ने का दम दिखाया है। अनुमान है कि भारत इस महीने रूस से समुद्र के रास्ते तेल के सबसे बड़े आयातक के तौर पर चीन को पीछे छोड़ देगा। दरअसल, रूस से छूट पर मिल रहे यूराल ग्रेड के कच्चे तेल की मांग भारत में लगातार बढ़ रही है। ऐसे में लंदन की ऊर्जा विशेषज्ञ फॉर्म वॉक टेक्सा ने दावा किया है कि भारत में रूस से कच्चे तेल का आयात जुलाई में 10 लाख बैरल प्रतिदिन से भी ज्यादा रह सकता है। यह पहली बार है कि भारत समुद्री रास्ते से रूस से आने वाले कच्चे तेल के आयात में चीन से आगे निकल गया है। जुलाई में जहाजों से हर दिन 3 लाख बैरल रूसी यूराल क्रूड चीन पहुंचा है। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले रूस से पाइपलाइन के जरिए भेजे जाने वाले कच्चे तेल की हिस्सेदारी 30% थी। इसमें से ज्यादातर यूरोप को जाता था, जो अब घटकर ना के बराबर रह गया है। लेकिन भारत यूरोपीय देश की इस कमी को पूरा कर दे रहा है। दोस्तों, भारत मुख्य रूप से यूराल ग्रेड की खरीदारी करता है, जो ब्लैक सी पोर्ट और भूमध्य सागर से भेजा जाता है। रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बीच इस साल अप्रैल और मई के दौरान रूस से भारत में आयात 3.7 गुना बढ़ा है। इस दौरान भारत में रूस से आयात बढ़कर $5 अरब हो गया, जिसमें कच्चे तेल की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। यह आयात 2021-22 में रूस से किए गए कुल आयात का लगभग आधा है। फरवरी में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से रूस से भारत में आयात 3.5 गुना बढ़कर $8.6 अरब हो गया है। इस दौरान 2021 में रूस से भारत में आयात $2.5 अरब था। वाणिज्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पेट्रोलियम के अलावा फर्टिलाइजर, खाद्य तेल जैसे अन्य उत्पादों का भी आयात बढ़ा है। कोकिंग कोयला और थर्मल कोयला के आयात में भी भारी वृद्धि देखी गई है। हालांकि बेशकीमती पत्थरों और हीरों का आयात घटा है। भारत में रूस से तेल का आयात जून महीने में रिकॉर्ड स्तर पर रहा है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक जून में भारत ने रूस से प्रतिदिन लगभग 9,50,000 बैरल तेल का आयात किया। ट्रेड सूत्रों की ओर से मुहैया कराए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत के कुल आयात में रूस के तेल की हिस्सेदारी बहुत अधिक हो गई है। बीते 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले के बाद से अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं, लेकिन भारत की तेल कंपनियां भारी छूट पर तेल खरीद रही है। दोस्तों, रूस से तेल खरीदने की भारत की यही नीति पश्चिमी देशों को रास नहीं आ रही है, जिसे लेकर रूस ने अमेरिका को खरी खोटी सुनाई है। अमेरिकी महत्वाकांक्षा के लिए भारत क्यों दे बलि? तेल के खेल को लेकर पश्चिमी देशों पर भड़का रूस। दोस्तों, भारत को रूस से तेल खरीदने पर खरी खोटी सुनाने वाले अमेरिका को रूस ने जमकर लतार लगाई है। भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव का कहना है कि ऐसा करना पश्चिमी देशों के असैद्धांतिक रुख और उनके दोहरे मापदंड को दर्शाता है, क्योंकि ये देश खुद अपने अवैध प्रतिबंधों से छूट पाकर रूस का तेल और गैस खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की बात है, तो उनके दुष्प्रभाव का राजनीतिक और आर्थिक रूप से जाहिर तौर पर गलत आकलन किया गया। ईंधन और खाद्य वस्तुओं की कीमती में वृद्धि ने दुनिया भर में मुद्रा स्फीति बढ़ा दी है, और यहाँ तक कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में भी मंदी का खतरा हो गया है। अलीपोव ने कहा कि उभरते अवसरों का लाभ उठाकर व्यापार सहयोग में और विविधता लाने में रूस और भारत की दिलचस्पी बढ़ रही है। रूसी राजदूत ने कहा कि भारत और रूस के बीच व्यापार तेजी से बढ़ा है। दोनों पक्ष के बीच भुगतान की कई प्रणालियां हैं। एशिया और मिडिल ईस्ट में कुछ साझेदारों के साथ किसी तीसरे देश की मुद्राओं का इस्तेमाल करने का भी एक विकल्प है। अलीपोव ने कहा कि भारत की आलोचना करने वाले पश्चिमी देश न सिर्फ इस तथ्य पर चुप्पी साधे हुए हैं कि वे खुद अपने अवैध प्रतिबंधों से छूट देकर सक्रिय रूप से रूस का तेल और गैस खरीद रहे हैं, ऐसा कर वे अपने असैद्धांतिक रुख और दोहरे मापदंड को स्पष्ट रूप से उजागर कर रहे हैं। राजदूत ने कहा कि सत्ता के लिए अमेरिका की महत्वाकांक्षाओं के तुष्टिकरण के लिए यूरोप ने अपनी स्वतंत्र आवाज को पूरी तरह से खो दिया है। यूरोप अब बाकी दुनिया के लिए तेल और गैस की कीमतों में इजाफा कर अपने आर्थिक लाभ को जारी रखने की कोशिश कर रहा है। रूसी राजदूत ने कहा कि रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का भारत रूस व्यापार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, और केवल इस वर्ष के पिछले 6 महीने में $11.1 अरब का व्यापार हुआ, जो 2021 में लगभग $13 अरब था। उन्होंने कहा, हमारे पास यकीन करने का उचित कारण है कि इस साल के अंत तक हम ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना लेंगे, और यह केवल हाइड्रोकार्बन के बड़े पैमाने पर आपूर्ति के कारण नहीं है, जो 10 गुना से अधिक बढ़ गया है। दरअसल यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंधों की बौछार की हुई है। इस कारण रूस से व्यापार करना काफी मुश्किल हो गया है। रूस को डॉलर में पेमेंट करने पर भी रोक लगा दी गई है। इन्हीं प्रतिबंधों के कारण पूरी दुनिया में कच्चे तेल और गैस की कीमतें काफी बढ़ गई है, जिसके बाद भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदा है। अमेरिका और पश्चिमी देश भारत के इस कदम से काफी नाराज हैं। रूस से तेल खरीदने के भारत के फैसले के बारे में अलीपोव ने कहा कि भारत ने लगातार कहा है कि वह राष्ट्रीय हित में ऐसा कर रहा है। भारत का यह फैसला लगातार बढ़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था और इसके लोगों की भलाई की जरूरतों को दर्शाती है। यूक्रेन संकट को लेकर भारत के रुख के बारे में पूछने पर राजदूत अलीपोव ने कहा कि रूस भारत के रुख का सम्मान और इसकी सराहना करता है। यूक्रेन संकट को लेकर भारत का रुख अंतर्राष्ट्रीय कानून की नींव और राष्ट्रीय हितों के रणनीतिक विजन पर आधारित है।